अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गीलानी और आप देख रहे हैं गीलानी लॉग्स। ये वो तंगो तारीख गलियां हैं जहां दो से ज़ायद अफराद एक साथ नहीं गुजर सकते, लेकिन यहां रावलपिंडी की सदियों कदीम तारीख नक्श है। आज इन गलियों में रोशनी का दखल भी मुश्किल है, लेकिन कभी यहाँ अपने वक्त के सूरज चाँद सितारे चमकते थे और ज़िंदगी यहाँ से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाया करती थी। इन्हीं गलियों में वो शानदार हवेली भी है जो कभी रावलपिंडी की पुरशुको इमारतों में से एक और शहर की आन बान और शान होती थी। तारीख जैन मुत के एक फिरके से मौसूम भावड़ा बाजार रावलपिंडी से मुत्तसिल इन तंग गलियों में वाक़ इस शानदार इमारत को हवेली सुजान सिंह के नाम से जानती है। रावलपिंडी के खुद साख्ता ठेकेदारों की वजह से हम जैसे आम लोगों को अब इसकी सिर्फ बैरूनी दीवारें ही देखने की इजाज़त है। शहर के वासियों को ये भी इल्म नहीं कि इसके मकीन कौन थे और कहाँ चले गए। आज के झमेलों में शायद उन्हें इससे कोई दिलचस्पी भी नहीं, लेकिन अगर उन्हें ये मालूम हो कि जिस जगह आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट, वजीर आजम हाउस, सुप्रीम कोर्ट, पाक सेक्रेटेरिएट और डिप्लोमेटिक इनक्लेव समेत कोलाड़ा शरीफ से मरी की पहाड़ियों के दरमियानी इलाके के मालिकान इसी हवेली के मकीन थे, तो एक लम्हे को वो ये ज़रूर सोचेंगे कि वक्त कैसी कैसी करवटें लेता है, उसकी तह से कैसे कैसे रंग उभरते हैं, लम्हावर के लिए माहौल को रंगीन बनाते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। सुजान सिंह के आबाओ अजदाद इसी हवेली में रहते थे। 1890 में सुजान सिंह ने अपने आबाई घर को एक शानदार महल में बदलने के लिए हिंदुस्तान के नामवर माहिरीन तामीरात की खिदमत हासिल की। इस महल के वासियों को सिलसिला नसब बाबा गुरु नानक और सरदार मलखा सिंह थलापुरिया से मिलता था, जिसने 1766 में रावलपिंडी की बुनियाद रखी और पोठोहार का पहला सिख हुक्मरान भी रहा। शाह अल्लादिता गारों के साथ मारवला की पहाड़ियों के ऐन दामन में वाक़ साधु बाग के मेमार सरदार साधु सिंह का ताल्लुक इसी खानदान से था। सरदार साधु का बेटा बुधा सिंह सरदार सुजान सिंह का दादा था। सुजान सिंह के वालिद सरदार नंद सिंह को पंजाब में अंग्रेज सरकार के दरबार में नुमाया मुकाम हासिल था। नंद सिंह का इंतकाल 1871 में हुआ। उसने शहर में फलाही सरगर्मियों में नाम कमाया और कई इदारे खोले। सुजान सिंह के पास कटारिया और मिस्रियोट नामी दो जागीरें थीं, जिन पर आज पाकिस्तान का दारुल हुकूमत आबाद है। सुजान सिंह कश्मीर से कीमती लकड़ी मंगवाकर बेचता था, मगर उस पर किस्मत की देवी उस वक्त मेहरबान हुई जब एंग्लो अफगान जंगों में वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर सामने आया और अंग्रेजी फौज को अशियाए खोरनोश जानवरों के लिए चारा और ईंधन की सप्लाई शुरू की, जिसके एवज 1888 में उसे वायसराय हिंद ने राय बहादुर का खिताब दिया और गवर्नर पंजाब ने सुजान सिंह की खिदमात पर 1873 में हसन अब्दाल में मुनक़दा दरबार में उसे खिलत से सरफराज भी किया। 1901 में सुजान सिंह के इंतकाल के बाद सरदार हरदीत सिंह अपने वालिद की जायदाद का वारिस बना, मगर वो भी 3 साल बाद अपने 2 बेटे सरदार मोहन सिंह और सरदार सोहन सिंह को छोड़कर अगले जहान सुधार गया। इन दोनों भाइयों ने जंग अजीम दोम के दौरान अंग्रेजों की खासी मदद की, जिस पर उन्हें भी बेहद एजाज व इकराम से नवाजा गया। 24,000 मुरब्बा फुट कवर्ड एरिया रखने वाली सुजान सिंह हवेली 1893 में बनाई गई। पहले दरवाजे के बाहर इफ्तिताही तख्ती भी नसब थी, जिसे 1990 में स्क्रैप में बेच दिया गया। हवेली शहर की उन चंद इमारतों में शामिल थी जहां 1937 में बिजली लगी। 1893 से 1947 तक 54 साल हवेली सुजान सिंह खानदान के जरिए इस्तेमाल रही, लेकिन 1947 में इसे कश्मीरी महाजरीन को अलाट कर दिया गया और 1982 तक यहां 40 से ज्यादा कश्मीरी खानदान मुकीम रहे। सुजान सिंह हवेली रावलपिंडी की अव्वलीन इमारत थी जिसकी तामीर में नानकशाही ईंट का इस्तेमाल किया गया। लोहा, लोहे की चादरें और तांबा बरतानिया से मंगवाया गया। दरवाजों, छतों और चौबारों पर लकड़ी का इंतहाई दीदाजेब काम कराया गया, जबकि ये भी कहा जाता है कि हवेली की तामीर में सोना इस्तेमाल हुआ था और दीवारों पर सोने से कशीदाकारी की गई थी। हवेली के दरवाजे, खिड़कियां और झरोके अब भी इंतहाई दीदाजेब दिखाई देते हैं और शायद आज भी यहाँ ऐसा कोई कारीगर नहीं जो इतना बारीक काम इतनी निफासत से कर सकता हो। यहाँ जो टाइलें इस्तेमाल की गई
वो उस वक्त बरतानिया से मंगवाई गई थी। हवेली के मकीन चीन से मंगवाए गए सोने और चांदी के बर्तन और शाहाना विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर इस्तेमाल करते थे। सेहन में मोर नाचते थे और बरामदों में शेर बंधा होता था। हवेली का दरवाजा एक गली में खुलता है जिसके दोनों तरफ हवेली है। गली के ऊपर से भी हवेली मिली हुई है। एक तरफ हवेली के मकीन जबकि दूसरी जानब उनके मुलाजमीन रहा करते थे। हवेली का बरामदा नमा दरवाजा किले के दरवाजों की तर्ज पर है जिस पर इंतहाई खूबसूरत फूल बने हुए हैं और उनमें हाथी दांत भी नक्श थे। बताया जाता है कि अंदर दाखिल होते ही एक और बरामदा है जिसके अतराफ में कमरे और आगे सेहन है जहाँ फव्वारे लगे हुए थे। उस दौर के माहिर मुसव्वरों ने हवेली के मकीनों की तस्वीरों के साथ मुख्तलिफ फन पारे दीवारों पर नक्श किए थे। चारों तरफ कमरे हैं जबकि दोनों अतराफ से सीढ़ियां ऊपर की मंजिल तक जाती हैं। ऊपरी मंजिल में खूबसूरत झरोके हैं जिन पर लकड़ी का काम देखने से ताल्लुक रखता है। सेहन की तरफ भी बरामदे हैं जहाँ धूप से बचाव के लिए इटली से दरामद किए गए लोहे के शेड इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि ऊपर की मंजिल में दो तरफ कमरे हैं जहाँ से पूरे शहर और मार्गला हिल्स का नजारा किया जा सकता था। कहते हैं कि सुजान सिंह फैमिली यहाँ शाम की पार्टियां करती थी। यहीं मौसीकी बजाई जाती और समाजी और मजहबी तकरीबात हुआ करती थी। जब शाम को इस चार मंजिला हवेली में चरागाह होता तो हवेली के 45 कमरे जगमगा उठते और लोग दूर दूर से इस हवेली का नजारा देखने आते। लेकिन अब ये सब कुछ बंद दरवाजे के पीछे छुपा एक अफसाना ही रह गया है। हवेली अंदर से टूट फूट का शिकार है जिसकी गवाही इसकी बूढ़ी दीवारें और बोसीदा झरोके देते हैं, क्योंकि हुकूमत इस हवेली की बहाली में संजीदा है, ना ही पाकिस्तान में तारीखी विरसे की बहाली का कोई इदारा मौजूद है। कई साल पहले नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से यहाँ खवातीन के लिए एक साइंस कॉलेज बनाने को कहा गया, लेकिन हवेली की हालत ज़ार देखते हुए उन्होंने दिलचस्पी ना ली। फिर फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी के हवाले करते हुए ताकीद की गई कि वो इसकी बहाली का प्रोग्राम बनाएं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने भी कुछ ना किया तो आखिर में ये हवेली नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के जिम्मे डाल दी गई जिसकी इंतजामिया ने इसे ताला लगा दिया। ये भी कहा जाता है कि रावलपिंडी की लाल हवेली के मालिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद भी अब इस हवेली के मालिकान में शामिल हैं और नहीं चाहते कि इसकी मुरम्मत की जाए, इसे बहाल किया जाए। मोहल्लेदार ये भी बताते हैं कि हवेली के दरवाजे पर लगा ताला भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं खुल सकता। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये तय है कि अपने वक्त के इस आलीशान महल में कभी रौनकों के डेरे थे, मगर आज इसका अंदरूनी हिस्सा तकरीबन मुनहदिम हो चुका है। दीवार खस्ता और वसी दालान सुनसान है। कभी इसके दरवाजे अपने मकीनों का खुले दिल के साथ इस्तकबाल किया करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता और अगर आ भी जाए तो उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये हमारी बदकिस्मती की इंतहा है, क्योंकि दुनिया अपनी तारीख की तशहीर करती है, लेकिन हमने सिर्फ हवेली को ही नहीं बल्कि इससे वाबस्ता एक पूरे अहद और अपनी तारीख को ताले डाल रखे हैं। अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।